दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे फ़ोन के डिस्प्ले पे YouTube वीडियो जो है होम स्क्रीन पे चल रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पे मैं कोई दूसरा काम करना चाहूँ तो दूसरा काम भी कर सकता हूँ, किसी को चैट करना चाहूँ तो चैट भी कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं जो करना चाहूँ कर सकता हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप YouTube वीडियो को जो है आप होम स्क्रीन पे कैसे चलाओगे। देख सकते हैं YouTube वीडियो जो है यहाँ पे हम होम स्क्रीन पे चला रहे हैं। यहाँ पे मैं साउंड बढ़ाना चाहूँ तो साउंड भी जो है आप सुन सकते हैं, साउंड भी जो है बढ़ा सकते हैं। उसके बाद इसको छोटा करना चाहे तो छोटा कर सकते हैं, इसको जहाँ सेट करना चाहे वहाँ जो है हम सेट कर सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं YouTube वीडियो को होम स्क्रीन पे चलाए या स्क्रीन बंद करके चलाए तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं ना तो बिल्कुल आप अपने फ़ोन के यूट्यूब के जो है वीडियो को होम स्क्रीन पर चला सकते हैं, और आप जो है स्क्रीन लॉक करके भी जो है आप चला सकते हैं। तो ये कैसे किया है, आप कैसे करोगे होम स्क्रीन पे YouTube वीडियो, आप कैसे चलाओगे, जानने के लिए आपको पूरा वीडियो जो है शुरू से लेके अंत तक देखना होगा। अगर आप ये पूरा वीडियो शुरू से लेके अंत तक देखते हैं तो YouTube वीडियो को आप होम स्क्रीन पे ज़रूर चला सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि होम स्क्रीन पे आप YouTube वीडियो को जो है कैसे चलाओगे। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले YouTube खोल लेना है, YouTube में कोई भी वीडियो आपको प्ले कर देना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम ये वीडियो चला रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे पवन सिंह का गाना राजा जी का दिलवा, ठीक है, भोजपुरी में काफ़ी पॉपुलर ये गाना सब है, आप लोग भी सुनोगे तो काफ़ी मज़ा आएगा, ठीक है। डीजे DRS म्यूजिक पर ये अपलोड हुआ है, 21 करोड़ चला हुआ है। तो देखिए इसको हम शेयर करते हैं, शेयर कैसे करना है, यहाँ पे मोड वाला ऑप्शन पे टच करके यहाँ पे आपको क्रोम वाला में शेयर कर लेना है, ठीक है। जो भी यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं उसको जो है आपको क्रोम वाला में शेयर कर लेना है, और यहाँ पे आपको डेस्कटॉप मोड जो है डेस्कटॉप साइड पे टिक लगा रहना चाहिए। टिक नहीं लगा हुआ है तो 3 डॉट पे टच करके आपको टिक लगा लेना है, ठीक है। टिक लगाओगे तो यहाँ पे डेस्कटॉप साइड मोड में जो है आपका यूट्यूब वीडियो जो है यहाँ पे प्ले हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे ये जो है वीडियो अब जो है प्ले होने के लिए स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए हम फुल स्क्रीन जो है यहाँ पे वीडियो चला रहे हैं। आपको क्या करना है, ये यहाँ पे एक ऑप्शन आता है फुल स्क्रीन करने का, ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इस वाला ऑप्शन पे आपको टच करके फुल स्क्रीन जो है वीडियो आपका जो है आ जाएगा, यहाँ पे चलने लगेगा। अब ये वीडियो चलने लगा ना तो क्या करना है, होम स्क्रीन से आपको बाहर आ जाना है। देखिए यहाँ पे हम फुल करना चाहें तो फिर से फुल कर सकते हैं, और फिर से अगर बैक आना चाहे तो यहाँ पे ये होम स्क्रीन पे चलने लगेगा। तो इस तरह से आप होम स्क्रीन पे जो है आप YouTube वीडियो प्ले कर सकते हैं, छोटा करना चाहे तो छोटा कर सकते हैं, जहाँ लगाना चाहे लगा सकते हैं, साथ साथ कोई और काम करना चाहे वो भी कर सकते हैं। और एक और बात है, आप ये स्क्रीन बंद करोगे ना तो ये बंद स्क्रीन पे भी जो है चलेगा, ये देखिए तो बंद स्क्रीन पे भी जो ये चलेगा, अभी बंद हो गया ना, देखिए कैसे चलता है। यहाँ पे प्ले करने का ऑप्शन आएगा, प्ले कर दीजिए, फिर यहाँ पे ये चलने रहेगा। तो इस तरह से आप होम स्क्रीन पे स्क्रीन बंद करके YouTube वीडियो जो है आप चला सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो से जरा कोई सवाल है नीचे आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। उम्मीद है ये ट्रिक आपको काफ़ी बढ़िया लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।